जिला के पिछड़े और चुराहा विधानसभा के दूरदराज की चांजू पंचायत के लुनेक गांव के रहने वाले डीलराम के घर की तस्वीर सरकारी दावों की पोल खोल देने के लिए काफी है, साथ ही इंसानियत को शर्मसार कर देती है, क्योंकि आजादी के 70 साल के बाद भी आज इस परिवार को बिजली नसीब नहीं हुई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह परिवार एक ही कमरे में माल मवेशियों के साथ रहने को मजबूर है। इसी एक छोटे से कमरे में यह परिवार खाना बनाता भी है और खाना खाता भी है, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो परिवार को बेहद ही शर्मिंदगी से दोचार होना पड़ता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें से किसी भी योजना का रास्ता डीलराम के घर से होकर नहीं गुजरता है। अब यह परिवार इतना परेशान हो चुका है कि सरकार से मौत मांग रहा है। डीलराम और उनके परिवार के मुताबिक उन्हें आजादी के बाद से बिजली नसीब नहीं हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वह एक ही कमरे में माल मवेशियों के साथ रहने को मजबूर है, लेकिन हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमें गोली मार दे ताकि इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। लुनेक गांव है जी, सोला पंचायत है जी। तो ना मेरे कोई गौर का तो ना कोई सुनाया जी, तो ना मेरे घर कोई लाइट है, ना कोई मुंह गैस चूल्हा, ना कोई मुंह पेंसना, कोई मुंह से क्यों सहूलत ना जी। तो कुछ ऐठा तो सरकार मुंह या गोले मारे या कुछ मेरे के जन कर आईआरडीपी में है आप? ना जी, काटिया सुटोरा, काटिया जी सुटोरा आरडीपी के ना। शौचालय बनाया आपका जो पैसे मिलते हैं सरकार द्वारा? बना रहा जी, मियां पूरा अपने पैसा का जी। सरकार ने कोई पैसे कुछ ना देता जी? अच्छा। क्या पता जी, घर है पर ना पै गया क्रैक घर मोरे में नहीं जैसे कोई भी सूरत का ना, ना कोई पंचायत वाला जी ना कोई है। और कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? एक डंगर नहीं जी, कने से दो होते बूढ़े और बच्चे आपके? बच्चे लड़की भी आई है जी। लड़के आपके? लड़के दोनों मारे जाते गए जी, खत्म हो गए उन्होंने दो लड़के से गए जी। पैर बंद है दस बार जी, कोई सुनाई ना की जी, कुछ ना के सुना गरीब करें, पैर बंद है उठ उठ गर्मी कि तका लिया घर ना बेचना, कोई कुछ ना गरीब सकता तो कुछ मिनट सोचना तटा में गोले मारा जा मार छा मूँ, कोई मिनट जी सहूलत है ना की कोई विचार से क्या ना पास क्या था ना मिला जी ध्यान है ना देता। तुसी गए मिले? हाँ जी। कहाँ मिले उनसे आप? यहाँ आए थे पर जी बे बे करके गांव है, वहाँ आया था हंसराज, तो हम वहाँ गए थे उनके पैर छूने के लिए, कुछ भी हमारी सुनाई नहीं की हंसराज ने, कोई भी सुनाई ना कही जी। तो कह जी मैंने लाइट नहीं, कोई गैस चूल्हा मुँह नहीं जी, कोई घर बैठना नहीं मुँह कहने ना, कहाँ जाना जी, कुछ ना। सरकार मौका करया होर तो आर डी पी के नाम जी काटे सटोर पंचायत वाला, अंत गरीब आज कोई छठ मोह तो चलो काठी सूटा हुए था मोह है ना, अंत गरीब आज भाई ये बाजू टूटो रन तो यू ता ए तका गैस चूल्हा नहीं, कोई बिजली नहीं मिले घर, कोई किछ नहीं ने बाहर से मनवा रह गए आस है। आरडी के नाम पे काट कर आरडी के ना काट के दिया जाना ना तखना गए रात काटने, कण के मेहमान आए छ ता तां बे बड़ी मुश्किल से ते रात काटने। माल कीठा पशु? पशु कीठे भों ते कोई गण घर नहीं बेचना नहीं किछ नहीं। कैसे अगर बर्फ पड़ती है तो कैसे आप लोग? तो बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल से इतना जगह घर भी छेड़ थोड़ा ना अभिक्रय का। अच्छा बड़ी मुसीबत से इतना टाइम पास आ जी, क्या कहना, दो पुत्र थे दो खत्म हो गए, कौन ना निभार रह गया और सरकार सरकार अपने हाथ गोए ला दिया, सुन बहुत मुसीबत मत टाइम पास आ करे, बड़ी मुसीबत सरकार घट थोड़िया।
नगर बड़ा सारा पता के मुसीबती मज फस गेवरे थे जी अक बारी चाड़े गए असें और बारी बेही बेही ना दी बेही बोते बैठे पाइड बांधे दो जने अस बोला किसके, किसके पैर पकड़े हंसराज अस बोला करा के छा सुधरे ध्यान दिया किछ ना बोलो नेशनल तो सबको मिल गया आपको क्यों नहीं मिला ना मैं जी कोई गैस सी ला ना मैं कोई बेजे ना मैं कोई किछ ना बड़ी मुसीबत आ जी ता कोई कमाने वाला नहीं कोई किछ नहीं अबे सयानो टा बुढ़िया पा बड़ी मुश्किल सी ते टाइम पास आ जी घर बेचना ने अस ना कोई गैस चूल्हा नहीं कोई बिजली नहीं असड़े कोई किछ है नहीं आरडी के ना काटी सुटो रहते बड़ी मुसीबत सही थे सुनता है बे घर भी बोना चाहिए थी बेचना नहीं बिजली भी बोनी चाहिए थी गैस चूल्हा भी बोना चाहिए था छिड़ी भी नहीं उठे सयाना थे को ना कमोना रहे को ना था मिंडे तो ना दे तो सरकार मिंडे तो इन्ना पूजू अजय बड़े बड़े शहर थे तो मेरे गैस चूल्हा थे लाइट लगी हुई रहती सब कुछ घर बनो रहते हो जी मिंडे तक ना किछ भी सरकार तो फिर अब बड़ी मुसीबत माजिक टाइम पास आके का डील राम के दामाद गिरधारी लाल ने बताया कि वह अपने ससुराल में आए हुए हैं और यहाँ की हालत ठीक नहीं है साथ ही सरकार की किसी भी योजना का मेरे ससुराल वालों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है उन्होंने सरकार से उनके ससुराल की मदद की गुहार लगाई हैं जी ससुराल है तो बताओ यहां मैं आता जाता रहता हूं और इनकी ये गरीबी है कि घर इनको बैठने के लिए नहीं है लाइट इनके पास नहीं है गैस चूल्हा इनके पास नहीं है माल भी यहाँ ही है कमरा एक ही कमरा है एक ही कमरे में रहते हैं माल भी इसी में रहता है सारा आता जाता जो पुराना है वो भी इसी में रहता है इकट्ठे रहते हैं सभी मांग ये है कि लाइट भी चाहिए गैस चूल्हा भी चाहिए घर का भी चाहिए और सब कुछ चाहिए इनको तो आप पूरा परिवार कैसे सोते हैं एक ही सब कुछ एक ही कमरा है जी एक ही कमरे में माल भी है और आदमी भी एक ही कमरे में रहते हैं जी दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट